दोस्तों ये है हमारे पास आज अपाचे RTR 180 और इसकी जो है डिस्क ब्रेक ये काम नहीं कर रही है। ये आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल नीचे जा रही है और इसका पहिया फिर भी घूम रहा है। मैंने ये पैडल दबाया हुआ है फिर भी इसका व्हील घूम रहा है। और ये देखिए, तो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई हुई है। खोलिए, इसको खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर डिस्क ऑयल कितना है। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसको कैसे ठीक करना है। और तो इसके अंदर देख पा रहे होंगे आप डिस्क ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर डिस्क ऑयल डालूँगा। तो इसके अंदर हमने डिस्क ऑयल पूरा भर दिया है। लगा दीजिए कैप इसकी। वो डिस्क ऑयल जब इसके अंदर ख़त्म हो गया था इसलिए ये डिस्क इसकी बिल्कुल फ्री हो गई है। तो इसको अब हम रिपेयर करेंगे। और अगर आपको करना चाहे जैसे ये पैडल मार रहे हैं ऐसे आपको पैडल मारना है और कम से कम 10-20 पैडल आपको मारना है और फिर भी डिस्क इसकी जो नहीं लग रही है, ब्रेक नहीं लग रही है, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या करना है। पीछे से आपको एयर निकालनी होगी। ये वाला यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये और आपको एयर निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये ब्रेक दबा लेनी है नीचे को और फिर इसका जो नट है वो लूज करना है। और अगर आप पहले नट खोल देंगे और बाद में ब्रेक दबाएंगे तब भी, ये देखिए ये इन्होंने नट लूज कर दिया और वो डिस्क ऑयल निकला है। और ये हमें दबा के ही रखना है, ये हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। जब वो टाइट कर देंगे तब छोड़ना है। ऐसे लगभग आपको 2 बार करना है बस। मैंने यहाँ छोड़ दिया जब उन्होंने नट टाइट कर दिया। अब हमें फिर ऐसे ही 1 बार करना है। इन्होंने नट लूज कर दिया देखिए, और फिर हमें ये दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसके अंदर वापस एयर बन जाएगी। अब हमें नट टाइट करना है फिर पैडल को छोड़ना है। वो हमने नट टाइट कर दिया है, अब इसे हमें छोड़ना है। अब इसको ऐसे पैडल मारते रहना तब तक इसकी ब्रेक नहीं बनती है। इसको ढक्कन को लूज करो। कई बार यहाँ से एयर वापस नहीं जाती है तो ये हमें ढक्कन खोलना होगा और इसका इसका ढक्कन खोल के तब हमें ये पैडल मारना होगा। अगर ऐसा करने से आप कम से कम इसमें 50-60 पैडल मारते हैं और फिर भी आपकी ये नहीं बनती है ब्रेक, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने इसको बहुत से पैडल मारे तब इसकी ब्रेक ये काम नहीं कर रही है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से आपको ये खोल देना है, यहाँ से ये नट, और आपको कम से कम 5-7 पैडल ऐसे मारना है। देखिए आप वहाँ पे ऑयल निकल रहा है। इसके अंदर एयर बनी हुई थी, देखिए अब अभी ऑयल इसका ऊपर आना
बंद है। ये देखिए अब आना शुरू हुआ, कम से कम मैंने 5-7 पैडल मारे तो इसके अंदर एयर बन गई थी। तो ये देखिए अब हमें ये पैडल दबा के ही रखना है, अब वो हमें ना टाइट करना है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ऑयल बिल्कुल कम हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ऑयल ख़त्म ना होने पाए पैडल मारते वक्त। इसके अंदर ऑयल डालो, बस ये हमने इधर नट इसको टाइट कर दिया है। अब हमें ये पैडल मारना है। अब इसको लगाओ, इसकी कैप लगा दो। बस छोड़ दो इसको, ये हमने ऊपर कैप लगा दी है। अब इसको देखिए हमने 2-3 इसके पैडल मारे और ये ब्रेक इसकी काम करने लगी। ये देखिए पहिया घुमाओ, ये पहिया घुमाओ, पहिया पहिया घुमाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, घुमाओ। तो ये जो है इसकी डिस्क ब्रेक बिल्कुल काम करने लगी है। और आपको एयर निकालते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो ऑयल है ये ख़त्म ना होने पाए। जब इसका लेवल जैसे कम होता है वैसे आप इसको दोबारा से भर दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं पैडल इसका नट जो ये है लूज करके और मैंने 5-7 पैडल मारे, तब उस पहले ऑयल निकला था और उसके बाद में ऑयल नहीं निकला था, तब वो जो थी इसके अंदर एयर बनी हुई थी। और उसके बाद में जब मैं मारता गया तब इसके अंदर से फिर ऑयल आने लग पड़ा लगातार। जब आपका इसके अंदर से ऑयल जो है लगातार आने लग पड़े तब आपको मतलब कि इसको दबा के ही रखना है और फिर इसको टाइट कर देना है। ऐसे इस तरीके से डिस्क ब्रेक इसकी बन जाएगी। तो ये देखिए इसकी डिस्क ब्रेक बन गई थी और इसके अंदर जब ये डिस्क ऑयल ख़त्म हो गया था तो इसके अंदर एयर बन गई थी। और मैं अब आपको समझा देता हूँ दूसरी बात। कई बार मैकेनिक करते क्या हैं, जब ऐसा कभी होता है तो सीधे इसका जो पंप है वो बदल देते हैं। और ऐसे ना करें, पहले एक बार इसको चेक कर लें, अगर फिर भी ब्रेक नहीं बनती है तब इसका पंप डालें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार यहाँ से होता क्या है, यहाँ से इसका जो पंप है ये इधर से यहाँ पे इधर से यहाँ से इसका पंप होता है, यहाँ से अगर ज़्यादा ऑयल निकले नीचे तब इसका पंप ख़राब होता है। अगर हम पैडल मारते हैं 5-7 पैडल मारते हैं और यहाँ से इसका ऑयल नीचे गिरने लग पड़े तो समझाइए इसका पंप ख़राब है। और अगर थोड़ा बहुत निकले तो इसको ना करें। और जैसा कि मैंने अभी ये ब्रेक इसकी काम ठीक कर दी है, और जब अगली बार फिर ऐसे इसकी डिस्क ब्रेक जो फ्री हो जाए तब या इसका पंप बदलें, और अगर ये ठीक रहती है तो इसको कुछ भी ना बदलें ऐसे। दोस्तों अगर हल्की फुल्की एयर बनी हुई है तो आप पहले वाला तरीका इस्तेमाल करें जो आपको मैंने बताया कि नट लूज कर दें, ब्रेक पैडल उसको दबाएं और ब्रेक पैडल को दबा के ही रखें, फिर नट टाइट करें तब ब्रेक पैडल को छोड़ना। इस तरीके से हल्की फुल्की अगर एयर होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तब सॉल्व हो जाएगी। और अगर ज़्यादा एयर बनी हुई है, ब्रेक काम ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो मैं आपको बता दूं नट उसका ढीला कर दीजिए और पैडल मारते रहें। तब तक आपको पैडल मारना है तब तक उसकी जो है ब्रेक ऑयल कंटिन्यू लगातार नहीं निकलता है। जब बिल्कुल लगातार ब्रेक ऑयल निकलने लगे तब आपको नट वो ब्रेक पैडल दबा के ही रखना है, फिर आपको वो नट टाइट करके फिर आपको पैडल मारना है। इस तरीके से ठीक हो जाएगी जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मेरे पास ये है पूरी मास्टर सिलेंडर किट, जो इसको पंप बोलते हैं। तो ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे ये है नीचे वाला हिस्सा। अगर ये ख़राब होगा तो मैं आपको बता दूं, चाहे फ्रंट वाला हो चाहे रियर वाला हो, अगर ये ख़राब होगा तो ये नीचे से यहाँ से ऑयल निकलेगा, जहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये मैं उंगली हिला रहा हूँ, यहाँ से इसका ऑयल लीक होगा। और उस गाड़ी में भी ऐसा ही था, ये उसका पंप ख़राब था और फिलहाल मैंने उस गाड़ी का कर दिया है और यहाँ से उसका भी ऑयल जो है लीक हो रहा था।
और अगर आपकी गाड़ी में यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है तो आप समझ जाइए ये पंप ख़राब है। फिलहाल मैं उसका पंप बदल दूंगा, मैंने आपको वीडियो में वो करके दिखाया, और फिलहाल ब्रेक काम कर रही है वो, अभी हमारे पास ही गाड़ी रहेगी तो मैं उसको चलाऊंगा, और अगर प्रॉब्लम आएगी ज़्यादा तो फिर उसको ये पंप उसकी वो उस गाड़ी में मैं नया डाल दूंगा, और यही है यहाँ से उसका ऑयल निकलेगा। और उसमें आप देख पा रहे होंगे उसका जो ब्रेक ऑयल था वो बिल्कुल कम था, बिल्कुल है ही नहीं था, उसके अंदर ख़त्म हो गया था, उसके अंदर भी यहाँ से लीक हो रहा था, इसलिए उसका ब्रेक ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।